साथियों अस्सलाम वालेकुम मैं निषाद अहमद आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं वेलकम करता हूं खुश आमदीद करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी एस ऑनलाइन पर एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर मिल रही है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा चलिए सभी लोग बताइए आवाज वगैरह क्लियर मिल रही है आप लोगों को जी बताएंगे आप लोग वगैरह क्लियर है जी सभी का वेलकम है खुश आमदीद आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी त्रिपल एस एस बी टी जी टी के लिए और इसी तरह आपको यूपी टीजीटी टी जी टी के लिए और इसी तरह साथियों जी आई सी लेक्चर एन वी एस और डी त्रिपल एस बी पी जी टी का जो एग्जाम होने वाला है अभी इसमें भी आपको ये टॉपिक काम आएगा ठीक है ना तो इसमें से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं अगर आप इसका नोट्स पीडीएफ प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप ले सकते हैं साथियों इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं ठीक है ना आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू के अहम मुहिकीन में से दो महिकी के बारे में यानी काजी अब्दुल वदूद के बारे में और मौलवी अब्दुल हक के बारे में इन दोनों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए बहुत जरूरी है साथियों इनके बारे में पढ़ना ठीक है ना उर्दू के महिक़ीन हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर तो ध्यान दीजिए सबसे पहले जानेंगे काजी अब्दुल वदूद काजी अब्दुल वदूद का असल नाम था अब्दुल वदूद क्या नाम था साथियों अब्दुल वदूद इनका असल नाम था यानी काजी इनका असल नाम था काजी अब्दुल वदूद और इनके वालिद का नाम था काजी अब्दुल वहीद ठीक है पैदाइश जो है वो 1896 काको बिहार बिहार में एक जगह पड़ता है काको वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी और वफात जो है वो उन्नीस में हुई थी किन काजी अब्दुल वदूद की काजी अब्दुल वदूद तेईस ईस्वी को इंग्लिस्तान गए थे जहां से माशियात में आला तालीम हासिल करके फिर बैरिस्ट्री भी उन्होंने पास की थी कहां से साथियों इंग्लिस्तान से इंग्लिस्तान का सफर जो है ना सर सैयद अहमद खान ने भी किया था वहीं उनके जहन में आया था कि हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करना है और तहजीबुल अखलाक रिसाला निकाला मुसलमानों का वो रिफॉर्म करने लगे वो उनके जहन में वहीं से आया था तो काजी अब्दुल वदूद जो है इंग्लिस्तान वो उन्नीस सौ तेईस ईस्वी को गए थे और उन्होंने इल्मे में आला तालीम हासिल किया और फिर बैरिस्ट्री भी उन्होंने की काजी अब्दुल वदूद साहब इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद खुदाबख्श ओरिएंटल कॉलेज लाइब्रेरी पटना जो खुदाबख्श लाइब्रेरी है पटना के अंदर जी उसका पूरा नाम क्या है खुदाबख्श ओरिएंटल कॉलेज लाइब्रेरी पटना इसमें साथियों वो इससे जुड़ गए और वो वहां से वाबस्ता हो गए अब्दुल साहब एक थे जिन्होंने महमूद शीरानी की रिवायत को आगे बढ़ाया हाफिज महमूद शीरानी, ये भी उर्दू के एक, एक पटना से रिसाला छत्तीस में जारी किया था अच्छा बताइए आपको अगर ये मैं पूछूं कि रिसाला शब शबे खून जो है किसने जारी किया आपको पता है किसने जारी किया बता सकते हैं अभी मैंने पढ़ाया था उर्दू के नाकदीन में उनका नाम था रिसाला शबे खून किसने जारी किया चलिए तो काजी अब्दुल ने पटना से रिसाला मैार उन्नीस ईस्वी में क्या किया था जारी किया था उन्होंने पटना से ही एक तहकी रिसाला मुआसिर भी जारी किया था यानी दो रिसाला इन्होंने जारी किया एक मीयार और एक मुआसिर ठीक है चलिए उसके बाद आगे है तसानीफ तसानीफ में साथियों काजी अब्दुल के तसानीफ में आता है गालिब बहत महक और याददाश्त हाय काजी अब्दुल गालिब का फर्जी उस्ताद और उसके बाद है गालिब तब फरहंगे गालिब द हुसैन आजाद बहसीत असर गालिब कुछ शाद अजीमाबादी के बारे में ये इनके क्या है साथियों जे तसानी फैकिन के तो काजी अब्दुल वदूद के हैं कुछ गालिब के बारे में कुछ अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जबान शनासी तहकी उर्दू अदब में अदबी तहकीक के बारे में मुस्फी और उनके अहम मुआसरीन उर्दू शेरो अदब चंद मुताले उर्दू शेरो अदब चंद आसफिया पर शेर शेरो अदब चंद मुताले ये इनके जो है ना तसानिफ है किन के काजी अब्दुल वदूद के ठीक है ना जो लोग भी सही आंसर दे रहे हैं शब खून जो ये एक रिसाला है इनको रहमान फारूकी ने निकाला था बिल्कुल सही दे रहे हैं अब उसके बाद आगे है काजी अब्दुल तरतीब करता करदा किताब देखिए एक होता है मुसन्निफ और एक होता है मुरतब मुरतब का मतलब समझ लीजिए और मुसन्निफ का मतलब समझ लीजिए एक होता है मुअल्लिफ देखिए मान लीजिए कि एक किताब आपके जहन में आई उसको आप ही ने लिखा कहीं से कुछ नहीं किया माने सारी चीजें आपके ही थॉट है तो वह मुसनफ हुआ और मोरतब का मतलब वो किताब किसी और की लिखी हुई है मान लीजिए कि हमारे उस्तादे महतरम है। वो लिखते-लिखते उम्र के आखिरी पड़ाव को पहुंचे और उनकी जो किधर उधर जो उनके मौजूद थे उसको हमने एक जगह जमा किया और उसको किताबी शक्ल दे दिया तो वो जो मौजू है वो हमारे नहीं ना है वो तो किसी और के है ना यानी हमारे उस्ताद मोहतरम के हैं तो उसको हमने क्या कर दिया मुरतब किया यानी उसको हमने दिया तो हम मुरतब कहलाएंगे मुसन्फ नहीं कहलाएंगे मुसन्फ जो होता है ना वो किताब का खालिफ होता है यानी वो सर्वे सर्वा होता है वही लिखते हैं उन्हीं के थॉट होते हैं लेकिन मुरतब में उनके थॉट नहीं होते वो किसी और के होते हैं तो साथियों ऐसा हुआ है कि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो के इधर उधर हो गई तितिर बितिर हो गई उसके बाद उसको फिर किसी बड़े महकिक ने किसी बड़े आ, अपने वक्त के अदीब ने उन्होंने क्या किया उसको तरतीब दिया कि यह किताब इस तरह होनी चाहिए और फिर उन्होंने तरतीब देकर शाये किया तो काजी अब्दुल वदूद भी एक महक् थे एक रिसर्चर थे उन्होंने क्या किया साथियों कुछ किताबें तरतीब दी उसको आप देख लीजिए जैसे दीवाने जोशश इनको इन्होंने तरतीब दिया इसके मुसनफ नहीं है दीवाने दीवान रजाते रजा तذكره इब्ने बतूता कातिअ बुरहान दीवाने نعیم दीवाने नवाजिश और कलाम शाद شاد दीवाने रजा अजीमाबादी सफर-ए-आशोब अज الخلق ये साथियों किताबें जो है ये इनकी मुरत्तब है मुरत्तब करदा यानी तरतीब दी हुई है एक किताब साथियों जो इब्ने बतूता है ना ये किताब आपको मार्केट में नहीं मिलती है ये किताब जो है ना सिर्फ और सिर्फ जे आपको क्या बोलते हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में ही यह किताब दस्तियाब है और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छी किताब है इब्ने बतूता के सफरनामा इसमें बयान किए गए हैं बहुत अच्छी किताब है जो लोग रिसर्चर वगैरह वो जाते हैं वहां से इसको पढ़कर आते हैं जी बहुत अच्छी किताब है इसके बारे में मैंने बहुत सुना है उसके बाद आगे है एयरिस्तान में तीन किताबें दीवाने फाइज इन्होंने जो कि मुतबा मसूद अहसन रिजवी को इन्होंने लिखा मरक शोरा राम बाबू सक्सेना की लिखी हुई है और मीर तकी मीर और हयात हयात और शायरी तालिफ ख्वाजा अहमद फारूकी इसको भी इन्होंने लिखा है ठीक है उसके बाद काजी अब्दुल के बाद हम लोग चलते हैं, हैं हयात खिदमत मौलवी अब्दुल हक के बारे में मौलवी अब्दुल हक को उर्दू का बाबा उर्दू कहा जाता है और ये बहुत बड़े महक्क़ है याद रखेगा महक्क है तनकीद निगार नहीं है ये लोग निगार और महक में फर्क होता है अब्दुल हक और मशहूर हो गए थे मौलवी अब्दुल मौलवी अब्दुल पैदाइश है हापुड़ जिला मेरठ में हुई थी और वफात जो है सोलह अगस्त उन्नीस सौ इकसठ ईस्वी को कराची पाकिस्तान में इनकी वफात हुई थी ठीक है यहां तक आपका क्लियर है उसके बाद देखिए मौलवी अब्दुल हक ने एंग्लो ऑरियंटल कॉलेज जिसको हम लोग एएमयू बोलते हैं जे से बी एसो पंचानवे ईस्वी में किया था मौलवी अब्दुल हक अलीगढ़ कॉलेज के पहले तालिबे इलमे थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अलीगढ़ कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना था यानी वो ऐसे तालबेल थे जो सबसे पहले अलीगढ़ कॉलेज का यूनिफॉर्म जिन्होंने पहना था उसके बाद मौलवी अब्दुल हक 1911 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर हुए कब हुए साथियों 1911 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू के नोट में एक बात याद रखिएगा ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ के तहत उन्नीस में एक इल्मी शोभा कायम किया गया और उसी इल्मी शोभा का नाम रखा गया अंजुमन तरक्की उर्दू याद रखिएगा क्या आपको समझ में आया क्या अंजुमन जैसे आपने पंजाब लाहौर के बारे में पढ़ा है ना तो उसी तरह अंजुमन तरक्की भी था इसका मकसद था साथियों जो किताबें हैं पहले के हमारे बुजुर्गों के उसको हमें आगे करना यानी उसको तर्जमा करना फारसी में तो उसको इसमें करना तो खास बात इसमें यह याद रखना है कि मौलवी अब्दुल हक साहब अंजुमन तरक्की उर्दू के जो सेक्रेटरी बने वो 1911 में लेकिन अंजुमन तरक्की उर्दू को कब कायम किया गया तो 1903 में कहां कायम किया गया था अलीगढ़ में और किसके तहत तो ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अलीगढ़ में वहीं पर इसको कायम किया गया था ठीक है यहां तक आपका क्लियर है चलिए मौलवी अब्दुल हक के पहले माने मौलवी अब्दुल हक जो 1911 में बने थे इसके सेक्रेटरी उससे पहले अल्लामा शिबली नमानी बने हैं हबीबुर रहमान खान शिरवानी बने हैं जैर अजीज मिर्जा बने हैं साथियों सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी रहे थे क्लियर है मौलवी अब्दुल हक ने 1917 सौ ईस्वी में दारु तरजमा के पहले नाजिब मुकरर हुए अब देखिए दारु तरजमा क्या है दारु तरजमा उस्मानिया यूनिवर्सिटी उस्मानिया 1918 में साथियों हैदराबाद में कायम किया गया उससे पहले वहां पर 1917 में क्या बना था दारु तरजमा बना था इसका भी मकसद यही था कि जो किताबें हैं उसका ट्रांसलेट करना उसको आगे कैसे बढ़ाना यही मकसद था तो दारु तरजमा के सबसे पहले नाजिम जो है वो मौलवी अब्दुल हक साहब है ठीक है ना ये बात याद रखिएगा वीवीआई में पूछा जाता है आपको और 1911 में अंजुमन तरक्की उर्दू के ये सिक्रेटरी बने थे कौन मौलवी अब्दुल हक साहब दारु तरजमा उस जी कहां है अभी तो ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर ये मिल गया यानी जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम हो गया

बड़ा हस्न कारकर्दगी मार्च उन्नीस को अता किया था ठीक है तो ये मौलवी अब्दुल हक के बारे में हमने पढ़ा है एक बार साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा आपसे रिक्वेस्ट है गुजारिश है अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा ठीक है ना और अभी जो क्वेश्चन आजकल जो पूछे जा रहे हैं ना वो साथियों यहीं से आते हैं तसानीफ जो है इनके यानी मौलवी अब्दुल हक के यानी जो इन्होंने किताबें लिखी हैं उसमें मरहूम दिल्ली कॉलेज सर सैयद अहमद खान हालात तो इफकार चंद हम अस मराठी पर फारसी का असर नुसरती मलिकाते अब्दुल हक अब्दुल अब्दुल हक हक चंद तनकीदात अब्दुल हक उर्दू का अलमिया पाकिस्तान की कौमी व सरकारी जबान का मसला सर आगा खान की उर्दू नवाजी ये सारी जो किताबें हैं वो मौलवी अब्दुल हक साहब की हैं ठीक है ना अब उसके बाद आगे है साथियों इनकी मुरतब करदा किताबें मुरतब का मतलब मैंने आपको बता दिया यानी किताबें किसी और की लिखी हो लेकिन तरतीब किसी और ने दिया हो तो इनकी जो किताबें हैं निकातु शेयर यानी निकातु शोरा एक तो निकात शोरा जो फारसी जबान में है साथियों मीर का लिखा हुआ जो कि है उसी को इन्होंने तरतीब दिया है मौलवी अब्दुल हक के बारे में आता है कि जब ये दारु दारजमा के सेक्रेटरी बने 1917 में जितनी भी पुरानी किताबें थी सभी को इन्होंने अजसरिन तरतीब दिया और उसका मुकदमा लिखा और फिर उसको शायद किया चूंकि साथियों आप जब पढ़ेंगे तो निजाम हुकूमत जो थी ना हैदराबाद में वो बड़ी मालदार हुकूमत थी उन्होंने उन्होंने ही दारु दार्तर को सपोर्ट किया था, 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 था और उनके ही साथियों इस पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी कायम हुआ था ठीक है ना तो अब देखिए मुरतब करदा ध्यान दीजिएगा निकातु शोरा ये भाई मीर तकी मीर वाली दीवाने ताबा गुलशन इश्क इसको भी इन्होंने कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है ना मुला वजी की लिखी हुई उसको इन्होंने ही तर्तीब दिया दीवाने असर तजकिरा रेखता गोया मखजन शोरा रियाजुल फुसहा सुरैया रानी केतकी और अवधबान अरे एक रानी केतकी की कहानी आपने पढ़ा है ना किन खान इंशा की उसी किताब को मौलवी अब्दुल हक ने क्या किया है तरतीब दिया है हिंदी खाबो, ख्याल इसको इन्होंने तरतीब दिया है और चमिस्तान शोरा जिक्र मीर अरे जिक्र मीर जो खुद नवि है ना मीरतकी मीर की उसको इन्होंने क्या किया है साथियों तरतीब दिया है मखजन निकात उर्दू आशिकीन सबरस मुलावजी की लिखी हुई है इसको भी इन्होंने ही तरतीब दिया है बागो बहार मीर अमन देहलवी की लिखी हुई है इसको भी मौलवी अब्दुल हक ने ही तरतीब दिया है गुलशन इश्क उर्दू अंग्रेजी डिक्शनरी इंतखाब कलाम मीर दरियाए लाफत उर्दू कवायद की पहली किताब जो फारसी जबान में लिखी गई जिसको इनशा खान इंशा लिखा इसको भी तरतीब किसने दिया मौलवी अब्दुल हक ने गुले अजायब इन दाग और उर्दू सरफो नहर इफकार हाली मुसद्दस हाली मुसद्दस हाली जो मसनवी है ना उसी को इन्होंने तरतीब दिया है और खुतबाते गारसा गारसा दतासी साथियों ये सब जो किताबें हैं वो मौलवी अब्दुल हक ने जिसको तरतीब दिया है उसके बारे में साथियों यहां तक आप बताइए सभी चीजें आपको समझ में आ गई बताइए देखिए उर्दू जो है ना एक दिन में आप सोचिएगा तो नहीं आएगा उर्दू जो है ना वो जब आती है धीरे धीरे यानी डेली आप क्लास कीजिएगा तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा यहां तक बातें समझ गया अब्दुल वदूद के बारे में और मौलवी अब्दुल हक के बारे में आपको चीजें मैंने यहां तक बताई है ठीक है अब जो आगे है वो है साथियों कुछ सवाल जो आपसे पूछे गए हैं उसको आप आंसर दीजिए सही से चलिए देखते हैं जैल में कौन है? तनकीद मतलब निगार है एहतिशाम हुसैन अल्ताफ हुसैन हाली और यहां पर है होना यह चाहिए क्वेश्चन कि कौन नकाद नहीं है तब होगा एहतिशाम हुसैन अलताफ हुसैन हाली काजी अब्दुल वदूद मजनू गोरखपुरी चलिए अब इसका आंसर सही तरफ आप पहुंचेंगे कि कौन नकाद नहीं है कौन नकाद नहीं है यह बात आपको पूछा देखिए एहतिशाम हुसैन ये उर्दू के नकाद में आते हैं अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के जदीद उर्दू की सबसे पहली मुकदमा शेर शायरी उन्होंने लिखा है मजनू गोरखपुरी ये भी नकाद में आते हैं लेकिन काजी अब्दुल वदूद जो है वो नकाद नहीं है बल्कि ये महक़िक हैं नक्काद और महक्क में फर्क आपको समझा दिया हूं पहले ही ठीक है ना तो ये महक्क है नकाद में नहीं है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दीवाने जोशिश को किसने मुरतब किया जी इम्तियाज अली खान अर्शी ने रशीद हसन खान ने मसूद हुसैन खान ने काजी अब्दुल दीवाने जोशिश साथियों मैंने आपको बताया था ना कि दीवाने जोशिश को किसने मरतब किया जी दीवाने रजा कत रजा और फातिह बुरहान, दीवाने نعیم कलामे शाद ये सब जो किताबें हैं उसको काजी अब्दुल वदूद ने क्या किया है मुरتب किया है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा चलिए अगला क्वेश्चन है मुंदरजा जिल्ल में कौन में से कौन अदीब माहिर लिसानियत नहीं है माहिर लिसानियत नहीं है मुहियुद्दीन कादरी जोर मसूद हुसैन खान ज्ञानचंद जैन काजी अब्दुल वदूद देखिए साथियों साथियोंद्दीन कादरी जोर ये माहिर लिसानियात में आते हैं और इसी तरह साथियों मसूद हुसैन खान भी आते हैं ज्ञान चंद्र जैन भी आते हैं लेकिन काजी अब्दुल वदूद जो है ये माहिर लिसानियात नहीं है बल्कि ये उर्दू के अहम महकिन में इनका शुमार होता है इसीलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है गालिब से मुतलिक चौंका देने वाले हकायक किसने पेश किए काजी अब्दुल वूद ने काजी अब्दुल गफ्फार ने हाफिज महमूद शीरानी ने अमीर हसन आबदी ने गालिब के बारे में सबसे रिसर्च जिन्होंने किया वो है काजी अब्दुल तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन है गालिब बैसियत महक् किसकी तसनीफ है अब्दुलरहमान बिजनौरी रशीद हसन खान मुख्तारुद्दीन आरजू काजी अब्दुल वूद क्या पूछा गया गालिब बैसियत महक्क पांच नंबर क्वेश्चन तो इसके भी मुसनिफ कौन है काजी अब्दुल साहब है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पटना शहर से रिसाला किसने जारी किया अजीमाबादी काजी अब्दुल वदूद कलीमुद्दीन अहमद वहाब अशरफी देखिए एक रिसाला मैार और दूसरा रिसाला जो है उसका नाम था मुआसिर मैार जो है उन्होंने 1936 में जारी किया था किसने साथियों काजी अब्दुल वदूद ने ठीक है ना तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन है हिंद की बुनियाद इस सन में पड़ी बुनियाद किस सन में पड़ी 1971, 1906, 1936 और उसके बाद है उन्नीस देखिए अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैंने साथियों इसको सेट किया मैंने तो आपको पढ़ाया कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की बुनियाद जो है वो उन्नीस में साथियों एजुकेशनल का जो है ना कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ में हुआ था और वहीं पर इसको कायम किया गया और 1911 में जो है ना मौलवी अब्दुल हक इसके सेक्रेटरी बने तो वो तो ऑप्शन में है नहीं तो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की बुनियाद साथियों 1906 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट हो जाएगा क्लियर है जे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बागो बहार किताब किसने मरतब किया पहली बार अगर आपको मुरातब और मुसन्फ में फर्क नहीं आएगा तो कहिएगा कि ऑप्शन है गलत है लेकिन यहां पे लिखा हुआ है लिखा हुआ है नॉल ये लिखा हुआ है कि मुसन्फ अगर मुसनिब पूछा जाता तो उस सूरत में आंसर होता मीर अमन। लेकिन मीर अमन। अमन लेकिन तो है नहीं ऑप्शन में, तो बागो बहार किताब को किसने मुरतब किया कुतुबे मुश्तरी निकात शेरा जिक्र निकात शोरा जिक्र मीर सबरस ये सब किताबों को साथियों मोलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दरियाए लताफत किताब किसने मुरतब किया मोलवी बाकर इंशाउल्लाह खान इंशा अकबर इलाहाबादी मौलवी अब्दुलहक पहले नजर में तो यह लगता है कि उर्दू कवायद की पहली किताब दरियाए लताफत को इंशाउल्लाह खान इंशा ने ही लिखा है इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा राइट हो जाएगा लेकिन याद रखिएगा यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे लिखा हुआ मुरतब तो मुरतब करने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक साहब ठीक है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है बाबा उर्दू किस किसे कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आजाद मौलवी अब्दुल हक मीर तकी मीर खाजा मीर दर्द तो बाबा उर्दू जो है ना वो कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक साहब को ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा तो साथियों इस तरह टोटल दस सवाल और काजी अब्दुल वदूद और मौलवी अब्दुल हक दोनों महकीन के कर और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दूसरी बात यह है कि अगर आप डी ट्रिपल एस बीजी या फिर पी जी टी इसका अगर आपको नोट चाहिए यूपी आपको जे आई सी लेक्चर एनवीएस तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके रहा कर सकते हैं आपको साथियों जरूर अच्छा नोट्स दिया जाएगा और वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा सभी लोग बताइए कैसा रहा आज का क्लास क्लास ठीक था लेकिन मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया इसलिए कि इसके बारे में और भी दो तीन महकीन के बारे में उनके बारे में हम पढ़ लेंगे तो एक मिक्स जो है ना एक डेढ़ सौ क्वेश्चन का सवाल करेंगे जैसे हम लोगों ने उर्दू नाकरीन के बारे में पढ़ा उर्दू के अहम नकाद के बारे में पढ़ाया तो आपको मैंने एक ही दिन साथियों एक सीरीज मैंने आपको पढ़ाया था सैतीसवा वीडियो जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया नहीं तो इसी तरह छोटा छोटा थो� ये क्लास कर लेंगे और फिर इसके बाद सारे का मिक्स क्वेश्चन एक दिन लगाएंगे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का थैंक यू मिलता हूं फिर आपसे